नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कौन सा प्लैनेट है, किस प्लैनेट की वजह से आप जीवन में सुख और समृद्धि की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। और आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जीवन के एक एक कड़ी के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हम किसी के पास कितने नजदीक पहुंचते हैं, हमारा प्यार कैसे है उसके बारे में बताती है। जब किसी की इच्छाओं का पूरा करने का संकेत आता है तो कहते हैं हाथ में गुरु का पर्वत देखते हैं, और गुरु का जो पर्वत है ये सामान्यतः प्लेन हो और ये गुरु का स्थान ज्यादा घेरे हुए हो, और इनमें गुरु की क्वालिटियां कहते हैं ना कि भरपूर मात्रा में होती है। कहते हैं देव गुरु होते हैं, बृहस्पति देव, जो जीवन में पैसों से लेके लाइफ को चलाने का जो दिनचर्या है, कह लो कि जीवन में सुखों का आनंद देने वाला, भौतिक सुख भी मिलता है, एक आशीष देने वाले प्लैनेट है। कहते हैं ना जिसको गुरु की कृपा मिल जाए जीवन में वो धन्य हो जाता है, उसके भाग्य सफल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर गुरु के पर्वत के ऊपर एक स्टार बन जाए, वैसे तो स्टार अचानक से धन की प्राप्ति करवाता है, यहां पे अगर गुरु के माउंट के ऊपर स्टार बनता है तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसे का जो आगमन बनता है अचानक से देना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव यहां पर पैसे की मात्रा को बढ़ाते हैं, कहते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से हर इच्छाओं की पूर्ति करवा देते हैं। और जीवन रेखा से जब कोई एक रेखा इस गुरु के पर्वत की तरफ जाए, इसको महत्वाकांक्षा रेखा बोलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में देखें आप, जब जीवन रेखा से कोई एक रेखा गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है, इंडिकेशन दे रही है, ऐसे लोगों के जीवन में उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो जाती है और उनको पैसे से लेके सारा आशीष प्राप्त हो जाता है, बच्चों का सुख प्राप्त हो जाता है, धर्म कर्म के प्रति उनका जो मन है उस साइड मुड़ जाता है। कह लो कि पैसा, धन, मान सम्मान, शोहरत, और कह लो कि ऐसे लोगों को बड़े बड़े नॉलेज वाले भी कहते हैं, तभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। और जीवन में ऐसे लोग हर इच्छा को पूर्ण करने का इनको पास कई अवसर आते हैं, और जीवन में एक बार अगर ऊंचाइयों पर चले गए तो ये गिरने का नाम नहीं लेते हैं और उसी पे स्टेबिलिटी इनकी बनी रहती है, उसी पे टिके रहते हैं, मन की इच्छा पूरी करके वापिस ही आते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।